हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं गोभी मंचूरियन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। फ्रेंड्स, इसमें हम एक दो टिप्स बताएंगे जिससे आपकी मंचूरियन जो है रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होगी। इसे हम डबल फ्राई करना बताएंगे, इसके बेटर में क्या डालना है वो भी डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। पहले हमने 1 लीटर पानी उबालने के लिए रख लिया है, तो आप ध्यान से देखिए पानी में अच्छी सी उबाल आ गई है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। अब हम नमक को अच्छे से घोल लेंगे और उसमें हम फूल गोभी छोड़ेंगे, यानी कि केली फ्लावर। तो आप ध्यान से देखिए, हमें ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस में गोभी काटना है। बड़ा पीस होगा तो हम फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी नहीं होगा। इसके लिए हमें गोभी की साइज छोटी ही रखनी है। अब हम इसे पानी में डाल देंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट तक उबालेंगे। इससे क्या होता है, गोभी जो है अपनी 70% पक जाती है और फ्राई करने में हम 30% पकाते हैं। तो हम इसे 2 मिनट तक अच्छे से उबालेंगे। गोभी को हमने 3 मिनट तक उबाला है। आप ध्यान से देखिए, गोभी का कलर चेंज हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब हमने एक स्ट्रेनर लिया है, इसे एक बाउल के ऊपर रख लिया है। अब हम इसमें गोभी को एक्सटेंड कर लेंगे। ऐसे हम आराम से गोभी को एक्सटेंड कर लेंगे। तो इसे या तो आप नल के पास या यहीं पे दूसरे बॉल में ठंडे पानी से धो दीजिए। इससे क्या होगा, अपनी केली फ्लावर ओवर कुक नहीं होगी और फ्राई के लिए ये ठंडा भी हो जाएगा। तो इसे हमने धो लिया है। अब पानी निकलने तक हम इसमें छोड़ देंगे। केली फ्लावर से पानी निकल चुका है। आप ध्यान से देखिए, अपनी केली फ्लावर जो है वो 70% कुक हुई है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक खाली बॉल लिया है, इसमें अब गोभी को ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इससे क्या होगा, गोभी का जो मॉइस्चर है वो कॉर्नफ्लोर अपना चूस लेगा और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे कोने कोने तक अपना अदरक लहसुन का पेस्ट, ब्लैक पेपर, कॉर्नफ्लोर चला जाएगा। हम इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमने गोभी को मैरिनेट होने के लिए रख दिया। अब हम दूसरे बाउल में घोल तैयार करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच हम चावल का आटा डालेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ही डाल सकते हैं, लेकिन चावल के आटा से बहुत ही क्रिस्पी मंचूरियन तैयार होता है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो हमने नमक गोभी बॉयल होने में डाला था, इसके लिए हम अंदाज से ही डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक थिक बेटर तैयार करेंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही तैयार करना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएगा। और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसे ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है और ज्यादा पतला भी नहीं करना है। तो हमने 2 से 3 बार पानी डाल डाल के और घोल तैयार किया।
तो आप ध्यान से देखिए, ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए हमारे बेटर की। अब हम इसमें एक सीक्रेट आपको बताएंगे जिससे अपनी मैंचूरियन क्रिस्पी होती है। तो यहाँ पे हम बेटर में एक चम्मच तेल डालेंगे और इस तेल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है, अपनी मैंचूरियन जो है वो रेस्टोरेंट जैसी क्रिस्पी होती है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अपनी बेटर तैयार है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। अब हम इस बेटर में अपनी गोभी जो है मैरिनेट किया हुआ उसे डालेंगे। तो हम इसमें गोभी को धीरे धीरे डाल देंगे। ये गोभी में ब्लैक पेपर, लहसुन, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और हम इसे बेटर के साथ मिक्स कर लेंगे। तेल हमने गर्म होने के लिए रख लिया है। अब हम तेल को चेक करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा बेटर डालेंगे। आप ध्यान से देखिए कितनी जल्दी बेटर तैर के ऊपर आ गया। इसका मतलब अपनी तेल जो है जरूरत के लायक गर्म हो चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे और इसमें हम एक एक गोभी को धीरे धीरे छोड़ देंगे। एक बार में जितनी आ पाएगी उतना हम तेल में डालेंगे। एक साइड से हमने 2 मिनट तक फ्राई होने देने के बाद इसे उलट रहे हैं। तो ऐसे हम इसे उलट के और सेकेंड टाइम फ्राई करेंगे। दूसरी साइड से भी हमने 2 मिनट तक मैंचूरियन फ्राई कर लिया है। हमें इसे 2 बार फ्राई करना है। तो हम एक बार इसे स्लो गैस पे फ्राई करके और निकाल लेंगे। इस बार हमें बिल्कुल ऐसे ही निकालना है। फिर हम दूसरी बार फ्राई करेंगे तो आपके बताएंगे कैसा कलर हमें चाहिए। तो इसे हम टिश्यू पेपर पे निकालते जाएंगे। 10 मिनट हो चुका है। अपनी गोभी जो है वो ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे दूसरी बार फ्राई करेंगे। तो इस बार हम तेल को बहुत ही गर्म करेंगे। आप ध्यान से देखिए तेल में कैसे उबाल आ रही है, यानी कि एकदम तेल गर्म होनी चाहिए। अब हम तेल में दूसरी बार इसे फ्राई करेंगे। तो इस बार हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, 2 ही मिनट चलाते हुए इसे फ्राई करना है। अब ध्यान से देखिए कितनी गर्म तेल है। तो इसे हम चलाते भी रहेंगे, नहीं तो एक साइड से ये ब्राउन हो जाएगा और दूसरी साइड से व्हाइट ही रह जाएगा। अब गोभी जो है अपना बिल्कुल मैंचूरियन बनाने वाली कलर में फ्राई हो चुकी है। आप ध्यान से देखिए। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम आपको दिखा रहे हैं ये कितना क्रिस्पी हुआ है। एकदम मार्केट जैसे आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। ये बिल्कुल ग्रेवी में डालने पे सॉफ्ट नहीं होता है। तो इसे अब हम साइड में रख लेंगे। तो अब ध्यान से देखिए अपनी गोभी जो है कितनी अच्छी फ्राई हुई है, आवाज भी आ रही है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। अब हम एक कटोरी लेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सोया सॉस। आपको डार्क चाहिए तो 3 चम्मच कर दीजिए। 2 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच हम रेड चिली सॉस डालेंगे और 2 चम्मच हम टोमेटो केचप डालेंगे। और सबको मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसमें कॉर्न फ्लोर डालेंगे, ये हमारे शौश को बाइंडिंग का काम देता है। तो हम यहाँ पे एक चम्मच कॉर्न फ्लोर डाले हैं और इसमें हम 4 चम्मच पानी डालेंगे और इसे अच्छे से घोल लेंगे। बिल्कुल लम्स नहीं रहना चाहिए, तो हम इसे धीरे धीरे तब तक खोलेंगे जब तक कॉर्न फ्लोर अच्छे से घुल ना जाए। तो अब ध्यान से देखिए, अपनी घोल तैयार है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो गैस पे हमने एक पैन में 4 बड़े चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख लिया है। तो सबको पता ही है कि कोई भी चाइनीज डिश बहुत ही तेज बर्नर पे बनाया जाता है, तो हमने गैस का फ्लेम एकदम तेज रखा है और तेल को हम अच्छे से हीट हो जाने देंगे। तेल को हम पैन के चारों तरफ फैला लेंगे। आप कढ़ाई लें या फ्राई पैन लें, चारों तरफ तेल की चिकनाहट होनी चाहिए। तो अपनी तेल गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन और इसे हम 15 से 20 सेकेंड तक भून लेंगे। केवल इसका कच्चापन दूर करना है, हमें ब्राउन नहीं होने देना है। अब हम इसमें स्प्रिंग ओनियन का व्हाइट पार्ट डालेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी ओनियन डाल सकते हैं, हमें स्प्रिंग ओनियन पसंद है। और इसे भी हम 10 से 12 सेकेंड तक अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ कैप्सिकम डालेंगे और इसे भी हम कच्चापन जाने तक फ्राई करेंगे। आपको फिर से बता दे रही हूँ, हमारा गैस का फ्लेम जो है एकदम तेज होना चाहिए, तभी चाइनीज डिश अच्छा तैयार होता है। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च जिसे हमने छोटे छोटे काट लिया है उसको डाल देंगे। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च अपने अंदाज से डालिए। हमने मिर्च को भी डाल के चला लिया। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो ध्यान रखें, शौच में भी नमक होता है और मंचूरियन बॉयल करने में भी हमने डाला था, तो हम अंदाज से ही नमक डालेंगे, इस बात का आप जरूर से ध्यान रखिएगा। नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक ग्रेवी जो बनाए हैं उसको ऐसे मिक्स करते हुए डाल देंगे और इसे हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक तेज फ्लेम पे पका लेंगे। जितना ये अच्छा से पकेगा उतना ही बढ़िया कलर आता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। हमने जब घोल बनाया था तो उसका कलर जो है लाइट था, लेकिन पकने के बाद आप ध्यान से देखिए इसका कलर डार्क होते जा रहा है। तो फाइनली अपनी ये मंचूरियन की ग्रेवी बनकर तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग ओनियन का ग्रीन पार्ट और इसे हम मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, गोभी मंचूरियन बनाते टाइम हम सॉस को ठंडा करने के बाद ही डालेंगे, नहीं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर मजा नहीं आता है। हमें स्टीम जाने तक ही ठंडा करना है, ज्यादा ठंडा नहीं करना है। तो आप ध्यान से देखिए, शौच का स्टीम आना बंद हो गया है, बस इतना ही ठंडा करना है हमें। अब हम इसमें गोभी को डाल देंगे। तो अभी भी अपनी गोभी से आवाज आ रही है, ये बिल्कुल क्रिस्पी है। अब हम शौच के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना सुंदर कलर आया है अपने गोभी मंचूरियन का। तो आप ध्यान से देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और ये खाने में बड़ा ही टेस्टी होता है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो एक सर्विंग बाउल लेंगे
और उसमें हम मैंचूरियन को निकाल लेंगे। गोभी मैंचूरियन बनकर तैयार है, ये खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।